सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा और स्टेटस का जो भी सॉन्ग है, इस सॉन्ग पे आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और इस सॉन्ग पे अगर आप कोई भी स्टेटस क्रिएट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वायरल होने का चांसेस है। तो आप भी अगर इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर सभी मेटेरियल ईजिली मिल जाता है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रेंडिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको प्ले स्टोर पर कोई भी एक वीपीएन डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको कैपकार्ड यूज़ करने के लिए एक वीपीएन का जरूरत पड़ेगा। सिक्योर वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीपीएन को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद आपको कैपकार्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं एक वीडियो दे दूँगा, आपको सिंपल से वाला वीडियो यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक कर देने के बाद आपको एक बार क्या करना है, एंडिंग पॉइंट पर जाना है और आपको बाकी पार्ट को सिंपल से डिलीट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से डिलीट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है। ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, साउंड पे जाना है और आपको फ्रॉम डिवाइस पे जाना है और आपका जो भी सॉन्ग यहाँ पे है आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। इस तरीके से आपको सॉन्ग ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा बीट मार्क है, आप बीट मार्क देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इमेज का एंडिंग पॉइंट पे जाके आप सिंपल से स्प्लिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इमेज का वीडियो का एंडिंग पॉइंट पे जाके इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, नहीं तो आप बीट मार्क के हिसाब से भी स्प्लिट कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं इस तरीके से बीट मार्क आ गया, बीट मार्क पे जाना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट बीट मार्क देख सकते आप यहाँ पे है जो ऊपर जा रहा है ज़्यादा लाइन, ये वाला बीट मार्क है, इस पर आ जाना है, वीडियो को स्प्लिट कर देना है। नेक्स्ट बीट मार्क पे जाना है, इस तरीके से आपको सिंपल से वीडियो को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट कर देना है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट बीट मार्क इस पॉइंट पे जाना है, वीडियो को स्प्लिट कर देना है। इस तरीके से आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से स्प्लिट कर देना है, नेक्स्ट बीट मार्क पे जाना है, सिंपल से वीडियो को स्प्लिट कर देना है। इस तरीके से आपको बीट मार्क के हिसाब से वीडियो को स्प्लिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्प्लिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट में फर्स्ट क्लिप को आपको सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है, इन एनिमेशन पे जाना है और आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको राइट स्वाइप करना है, आपको दिखाई देगा ब्लाइंड, ठीक है। आप देख सकते हो ब्लाइंड्स को आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से और इसका ड्यूरेशन आपको फुल कर देना है, राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करना है, कॉम्बो पे जाना है और आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड एंड वेव एंड इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट है। ये पेंडुलम वन के लेफ्ट साइड पर जितना भी इफेक्ट्स है आपको ये सभी इफेक्ट्स इस सब पार्ट में ऐड करना है इस तरीके से और इनका ड्यूरेशन आपको फुल रखना है। सेकेंड पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, सेकेंड वाला आपको इफेक्ट सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट वाले को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करना है और आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करते रहना है, ठीक है। ये जो पेंडुलम वन के लेफ्ट साइड पे जितना भी इफेक्ट है आपको ये सभी इफेक्ट यहाँ पे ऐड करना है। इस तरीके से ये सभी इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ये जो स्प्लिट करने के बाद आप देख सकते हो व्हाइट व्हाइट, आपको इन सभी पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लैश दिखाई दे रहा है, फ्लैश आपको सिंपल से यहाँ पे ब्लेंड्स दिखाई दे रहा है, ब्लेंड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन आपको पूरा 0.1 सेकंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई टू ऑल करना है, आप देख सकते हो अप्लाई टू ऑल क्लिप्स हो गया। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से फ्लैश इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको फ्लैश इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको ये ब्लेंच काम नहीं कर रहे तो आपको सिंपल से क्या करना है, जो फ्लैश है आप फ्लैश इफेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी आपको 0.1 सेकंड कर देना है, अप्लाई टू ऑल करना है, राइट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो फ्लैश इफेक्ट भी इस तरीके से आएगा, ठीक है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सॉन्ग का लिरिक्स जिस पर चाहते हो उस पॉइंट पर आ जाना है, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे सॉन्ग का लिरिक्स लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स है, आपको सिंपल से मैं एक फ़ॉन्ट दिखा देता हूँ, आपको वो वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। मार्विन फ़ॉन्ट्स दिखाई दे रहा है, मार्विन फ़ॉन्ट्स को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पे जाना है, इन पे जाना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं रैंडम बाउंस, आप रैंडम बाउंस को सिलेक्ट करना है, इसका ड्यूरेशन 1.5 सेकंड रखना है, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद राइट पे क्लिक करना है और इसका साइज आपको इस पॉइंट पर रखना है और इसका साइज आपको कम कर देना है, ठीक है। इस तरीके से कम कर देना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कम कर देना है, ठीक है। आपको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स चुनना है, जिस पॉइंट पे आना तो उस पॉइंट पे आ जाना है, इस तरीके से ट्रिम कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए क्या करना है, फर्स्ट लिरिक्स पे क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। सेकंड लिरिक्स जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट का कुछ इस तरीके से लिरिक्स को ट्रैक करके लेके आ जाना है, ठीक है।
इस तरीके से लिरिक्स पे क्लिक करना है, डबल टैप करना है और आपका जो भी लिरिक्स है आपको सिंपल से लिख लेना है, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस के साथ सभी लिरिक्स को कंप्लीट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और जिस पॉइंट पे लिरिक्स स्टार्ट होते हैं उस पॉइंट पे आपको इस तरीके से ड्रैग करके लेके आ जाना है। लिरिक्स पे क्लिक करना है, डबल टैप करना है और जो भी आपका लिरिक्स आपको सिंपल से लिख लेना है, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको स्टेटस दिखाई देगा। ऐप पे थोड़ा लैग और आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम को आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो का तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और एक कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू सो मच।